हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्रिश का बेटा ही उसके लिए खतरा। आखिर कैसे क्रिश का बेटा एक खतरा हो सकता है? आखिर क्यों क्रिश दुश्मनों से लड़ने के लिए अकेले ही निकल पड़ते हैं? इस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे बॉलीवुड के बीलव्ड सुपर हीरो क्रिश के बारे में। क्रिश फ्रेंचाइजी में अब तक फुल 3 मूवीज तैयार की गई है, कोई मिल गया, क्रिश, क्रिश 3, जो की अपने आप में बहुत बड़ी बेहतरीन मूवीज रही है। तो बात करते हैं आप क्रिश 4 की। तो ये मूवी टोटली कृष्णा के बेटे के ऊपर बनाई जा सकती है। शायद उनके बचपन का रोल कोई और करे और उनके बड़े होने के बाद का रोल ऋतिक रोशन ही करेंगे, क्योंकि कृष्णा और रोहित भी एक जैसे ही दिखते हैं। और वहीं हमने क्रिश 3 में भी देखा था कि मूवी के एंड में क्रिश के बेटे के पास उड़ने की पावर होती है। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को मेकर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म है कि क्रिश का बेटा एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली सुपर हीरो होने वाला है, वो भी अपने डैड से भी ज्यादा ताकतवर। जहाँ कोई मिल गया में रोहित मेहरा को एक एलियन द्वारा ना जाने कितनी शक्तियाँ मिलती हैं, वहीं क्रिश मूवी में उनके बेटे कृष्णा को वरदान में वो शक्तियाँ प्राप्त होती है और वो उन्हीं शक्तियों के इस्तेमाल से सबकी भलाई करता है। तो वहीं क्रिश 3 में इस मूवी को एक अलग लेवल की ऊंचाइयाँ दे दी गई है, जहाँ पर हमारे सुपर हीरो के खिलाफ थे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर विलन और उसमें बहुत ही ज्यादा कमाल के एक्शन सीन्स थे, जो कि बॉलीवुड में अब तक नहीं देखने को मिले थे। क्रिश 3 मूवी के एंड में हमने देखा था कि क्रिश के बेटे के पास भी सुपर पावर्स हैं और वो इन शक्तियों की थर्ड जनरेशन होने वाला है रोहित और कृष्णा के बाद। समय के साथ साथ क्रिश की शक्तियां बढ़ती जाती हैं, जिस वजह से मूवी के मेन विलन को अगर क्रिश से लड़ना है तो उनके लिए हुक्म का इक्का है, क्रिश के बेटे को किडनैप करके उनके बोन मैरो और DNA का इस्तेमाल करना, ताकि वो इसके इस्तेमाल से खुद को शक्तिशाली कर सके। अपने बेटे को बचाने के लिए अकेले ही क्रिश दुश्मनों की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि उनकी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि उनके पहुंचने तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और सुपर विलन तब तक बहुत शक्तिशाली हो चुके थे और वो क्रिश को जान से मारने में सफल हो जाते हैं। लेकिन असल में वो क्रिश को मारते नहीं, सिर्फ अनकॉन्शियस करने के बाद उसे बंदी बना लेते हैं, ताकि वो अपनी साइंस की ताकत से क्रिश के ऊपर और भी ज्यादा टेस्ट कर सके। अगर कॉन्सेप्ट थ्योरी जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, तब तक के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर ऋतिक नहीं तो किसे क्रिश के बेटे का रोल करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।